पबजी बैन इन इंडिया, पबजी बैन इन इंडिया, चौंक गए फ्रेंड, पबजी बैन हो गया। तो फ्रेंड बहुत लोग का कहना है कि पबजी बैन हो गया है इंडिया, तो फ्रेंड तो आज हम क्लियर कर देते हैं कि पबजी बैन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ उसका कारण भी बताएंगे, क्या क्या बैन हुआ है फ्रेंड। तो 59 चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुए हैं इंडिया से, तो क्लियर कर देता हूँ 59 चाइनीज एप्लीकेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वह 59 चाइनीज एप्लीकेशन में क्या हमारा पबजी आता है, तो पबजी नहीं आता फ्रेंड। पबजी क्या है, कोरियन एप्लीकेशन है। अगर आप पबजी खेलते हैं तो इतना भी नॉलेज होना चाहिए कि पबजी कोरियन एप्लीकेशन है और हमारे इंडिया में क्या है, चाइनीज एप्लीकेशन को ही बैन किया गया है, तो इसलिए पबजी को बैन नहीं किया गया है। 59 एप्लीकेशन जो चाइनीज है उन्हें बैन किया गया है, जिसपे टॉप पे है टिकटॉक, वो तो आप जानते ही हैं, और उसके बाद हेलो जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग था, हेलो टिकटॉक, बीगो, हमारा चाइनीज जो लोग थे यहाँ से इसी ऐप के जरिए बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे। और ज़्यादा था क्लब फैक्ट्री, जो आपको सस्ते सस्ते दामों में आपको कपड़े देता था, जूते देता था, वो भी बैन हो गया हमारे इंडिया में। अब आपको फिर से अमेजोन फ्लिपकार्ट यही यूज करना पड़ेगा फ्रेंड। और बहुत सारे सेरिट, बहुत सारा ऐप है, जी मेल है, वो आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ नंबर वाइज दिया है, यहाँ एक लिस्ट ये है फ्रेंड, और एक लिस्ट ये है, और एक लिस्ट ये है फ्रेंड। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अगर यह आपके मोबाइल में तो पहले से ही आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, नहीं तो आपके मोबाइल में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। अब क्यों सड़ जाएगा फ्रेंड, क्योंकि अब जब यह बैन हो जाएगा तो ये एप्लीकेशन काम नहीं करेंगे आपके मोबाइल में। तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि आप इसे पहले ही अनइंस्टॉल कर दीजिए। अब बात रही कि अब भाई अभी जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि प्ले स्टोर पर टिकटॉक है। तो फ्रेंड जैसे कि अगर हमें किसी काम को करना पड़ता है, जैसे मुझे कुछ हटाना है, तो धीरे धीरे तो हटाएंगे कि एक ही साथ हटा देंगे, नहीं ना, तो वैसे ही धीरे धीरे क्या होगा, वह प्ले स्टोर से हट जाएगा। अब समय लग सकता है 3 दिन 4 दिन। तो फ्रेंड आप क्या करेंगे, 3-4 दिन में आप जाकर टिकटॉक को रिपोर्ट करिए, जो स्टार दिए थे ना आप स्टार हटा लीजिए, आपका स्टार कोई काम नहीं आने वाला है। क्योंकि भारत सरकार ने टिकटॉक सहित बहुत सारे एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। तो फ्रेंड जो अब क्या हुआ था कि कैरी मिनाटी भाई की वीडियो जब डिलीट हुई थी, तो क्या हुआ था, टिकटॉक वाले बहुत मजा ले रहे थे। तो मैं आज उन यूट्यूबरों से कह दूं कि आप भी मजा लीजिए, जब वो हमारे जब कैरी मिनाटी भाई की वीडियो अपलोड हुई थी जो डिलीट हो गई, तब मजा लिए थे, तो आज हम भी लेंगे, क्योंकि पूरा एप्लीकेशन ही बैन हो गया है, बहुत सारा एप्लीकेशन। तो फ्रेंड आप भी बहुत मजा लीजिए, जो यूट्यूबर है और जो भाई टिकटॉक चलाते, अब देख के वीडियो रोइए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और जो टिकटॉकर होंगे वो तो पता है मुझे कि वो डिसलाइक करेंगे, क्योंकि उन्हें हमारी वीडियो पसंद नहीं आई होगी। तो यूट्यूब वाले लाइक करें, जो सच्चे इंडियन है वो लाइक करेंगे, और जो टिकटॉक साइड लेते हैं, चाइना का साइड लेते हैं, भाई वो साइड लो, हम तो इंडियन हैं, हम तो यूट्यूब का ही साथ देंगे, ना कि टिकटॉक का। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि मैं लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आता रहता हूँ, तो लाइक कर देना। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।